सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो ऐसे ही काम करती हैं, वो आपके अंदर मोल्स खुद से इंस्टॉल करती हैं और आपको लगता है वो आपके बड़े अपने हैं जिनको इंस्टॉल किया हुआ, आपके अंदर हीरो भी पैदा करती हैं, आप बड़े बड़े हीरोज को रिस्पेक्ट करते होते हैं। अभी हमारी पोजीशन ये है कि बहुत कुछ नजर आ रहा होता है वो आपसे शेयर नहीं कर सकते, बहुत कुछ नजर आ रहा होता है, आप लोगों के जज्बात भी देख रहे होते हैं, इमरान खान की मजबूरियां भी देख रहे होते हैं, अपने लिए भी हद एक मुकर्रर की होती है, वरना आप जो डॉक्टर होता है ना वो पेशेंट को सामने देख के रिपोर्ट से पहले भी कई चीजें मुरतब कर लेता है। सो बहुत कुछ नजर आ रहा होता है, बहुत सारे हीरो आपके लिए बना दिए जाते हैं, बहुत सारे जो असल में हीरो होते हैं उन्हें आपके लिए विलन बना दिया जाता है, और क्योंकि अमूमी तौर पर लोग जज्बाती होते हैं, हमारी कौम तो वैसे ही जज्बाती है, सो वो काम आपको डाल दिया जाए। तो इसलिए एक तो जहन में रखिए, जैसे मोहित ने पहले कहा, मैं उससे एग्री करता हूं, इमरान खान को रिहा करने का कोई प्रोग्राम नहीं जब तक कुछ ड्रास्टिक पाकिस्तान में चेंज नहीं होता। आराम से सुनिए, सीरियस बात है। सो इमरान खान को रिहा करने का कोई उनका प्रोग्राम नहीं है, बिकॉज ये उनके लार्जर पावर सिस्टम के अंदर सेट नहीं होता। लेकिन क्या उसका इलाज ये है कि जो जज्बाती कुछ लोग बाहर से बैठ के कहते हैं कि बस ये कर दो, अब ये नहीं, वो भी इलाज नहीं। जैसे मोहित ने कहा कि वो आइडियलिस्टिक या एक फिल्मी सीन हो सकता है, उसका असल तो तरीका यह है कि जिस दिन आपकी आवाम बाहर निकली, जिस दिन आवाम ने बाहर निकलना है ना, उस दिन फिर सारे तखमीने, तजिए, वजह, वजूहात वो सारी खत्म हो जानी। अब आवाम कब निकलती है उसका आपको और हमें इंतजार करना पड़ना है। आप और हम क्या कर सकते हैं, अक्सर पूछते हैं आप सवाल के आगे क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं। आप यहां से बैठ के दो काम कर सकते हैं। मैंने एक दफा यहां अमरीका में आया तो मैंने कहा कि आप लोग यही रहिए, आप वहां ना जाइए। कुछ दोस्तों ने कहा कि यार ये गिल साहब तो लोगों को वहां जाने से रोकते हैं, तो चले मैं कहता हूं कि आप वहां चले जाइए। अब मैं देखता हूं कि अगले 15 दिन में कितने लोग जाएंगे मेरे कहने से। मैं तो प्रैक्टिकल बात करता हूं कि आप लोग यहां जो नौकरी पेशा है वो यहां से जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो यहां से वहां तो नहीं जाएंगे। अगर आप में से कोई जाना चाहता है तो इससे अच्छी बात, आइडियल बात तो कोई नहीं हो सकती, जाना चाहिए, फौरी जाना चाहिए, मेरे कहने पर बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। लेकिन यहां बैठ के आप क्या कर सकते हैं, अगर आप फैसला करते हैं कि आपने यहां रहना है, यहां रहकर आप एक तो ये कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं। अब इसका आपको बताया जाता है इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अब ये सारी मजलिस हुई, बातचीत हुई, कल इमरान खान तो फिर जेल में है, यही है ना, तो आपको बताया जाएगा इसका कोई फायदा नहीं। अगर इसका कोई फायदा ना हो तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इतनी तकलीफ आपके प्रोटेस्ट की ना हो, आपकी गैदरिंग्स की ना हो, और दो ही चीजों से प्रॉब्लम है, एक सोशल मीडिया और एक ओवरसीज पाकिस्तान, ठीक हो गया। तो एक तो आप ये जो करते हैं ये करा करें, बेशक 5 लोग कर सकें, 10 लोग कर सकें, 20 लोग कर सकें, लेकिन आपको ये काम करना है। जब भी आपको मौका मिले, जहां भी मौका मिले, आपने प्रोटेस्ट करना है, आपने आवाज रेज करनी है, वहां पर अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से बात करनी है, उनको बताना है कि पाकिस्तान के असल मसाइल क्या हैं जो आपको यहां से समझ आते हैं, और उनको यह कहना है कि आपने पाकिस्तान के आईन के अंदर रहते हुए जो आपका हक है एहतजाज का वो आपने इस्तेमाल करना है। ये ग्रेजुअल होना, ये ऑर्गेनिक प्रोसेस है, ये अचानक से नहीं होना, उसकी कीमत इमरान खान दे रहे हैं। नेल्सन मंडेला को 27 साल लगे, जाहिर है जिस दिन वो जेल गए थे वो अगले दिन ही बाहर आना चाहते होंगे, उनके घर वाले भी चाहते होंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा, खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ करे, इमरान खान को 27 साल रहना पड़े, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि नेल्सन मंडेला को हालात का, अपनी कौम का इंतजार करना पड़ा 27 साल बैठकर। अब क्योंकि हम तो इतनी देर इंतजार नहीं कर सकते, हमारी कौम ऐसी है भी नहीं इतना लंबा इंतजार करने की, तो आपने और हमने हिस्सा डालना है जहां पर भी हम टेम्परेचर रेज करने के लिए हिस्सा डाल सकें। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, सिविल मिलिट्री डिवाइड है, और पाकिस्तान का कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आपको बताता है पाकिस्तान को बाहर से कोई कुछ कर रहा है, पाकिस्तान को बाहर से कोई कुछ नहीं कर रहा है, किसी का इंटरेस्ट नहीं है अगर हम बंदे के पुत्र बन जाए। हमारे अपने खड़े किए हुए सारे मसले हैं, सिविल मिलिट्री डिवाइड है,
मिलिट्री चाहती है कि जो 1956-58 से उनके हाथ में इख्तियार आया हुआ है, वो दलिए से लेके सीमेंट की बोरी से लेके आपकी खाद की बोरी से लेके, अब तो यूनिवर्सिटियां भी उनकी हैं, डीएचए भी उनके हैं, प्लॉट भी उनके हैं, उस सारे में वो आपको हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते। सो जिस दिन उनका दिल बदला, और बदलेगा, हम में से ही हैं, नफरत हमने किसी से नहीं करनी, यही हमारे लीडर की तरगीब है, हमने एज अ नेशन इकट्ठे चलना है, और सभी लोग ही पाकिस्तानी हमारे, लेकिन पहले आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम क्या है। इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई मेरा ख्याल इमरान खान ने पहली दफा करवाया है 75-76 साल में। अब जो मर्ज है उसकी आइडेंटिफिकेशन डायग्नोसिस हो चुका है, अब उसका इलाज होना है, वो मैंने आपको बता दिया कैसे होना, वो तब होना है जब पूरी कौम ने बाहर निकलना है। जब कौम बाहर निकलने को तैयार होगी, मुझे नहीं पता कितनी देर लगे, मैं आपको झूठी तसल्लियां नहीं दे सकता, ये हो जाना है, वो हो जाना है, ऐसा कुछ नहीं होना। इमरान खान को उसी जेल में रखना है, उन्होंने एक केस के बाद दूसरा बनाना है, दूसरे के बाद तीसरा बनाना है, हम सब आसानी पसंद हो जाएंगे, हम सारे इंसान हैं, हमारे मां बाप किसी का चला जाता है, इवन किसी का बच्चा चला जाता है तो 10वें-8वें दिन हम खाना खाते हैं ना, हम नॉर्मल होते जाते हैं, तो हमारे लिए चीजें नॉर्मल होती जा रही है। इमरान खान का जेल में होना नॉर्मल होता जा रहा है, इमरान खान के लिए नॉर्मल नहीं है, वो अंदर बर्दाश्त कर रहा है। तो इसलिए बड़ी सादा सी बात यह है कि अगर इमरान खान को, मतलब मैं आपको बता देता हूं कि पिछले दिनों एक वकील आए हुए थे यहां पर, नाम नहीं लूंगा उनका, वो इमरान खान के साथ थे खड़े, अभी तक 1.5 साल में, ये पहले पता नहीं चला था, किसी ने बताया नहीं था, सुनी सुनाई बातें, तो वो क्योंकि मेरे आमने सामने बैठे थे तो उनसे मैंने सवाल किया क्योंकि मुझे पता थे, तो आई आस्क्ड हिम कि खान साहब को क्या मारा था पकड़ते हुए, ये पहली दफा मैं किसी शख्स से फिजिकल स्पेस में हम कलाम, तो उसने कहा हां सर पे डंडा मारा था, उसने कहा कि हां सर पे डंडा मारा था। तो कहने की बात यह है कि ये एक बहुत ट्रेजिक बात है जो हमारे साथ हो रही है एज अ नेशन। इन अ वे हम डिजर्व भी करते हैं क्योंकि 76 साल भी आस्ट फॉर इट, हम शोबदेबाजियों को पसंद करते हैं, इमरान खान जैसा खरा सच्चा आदमी आप देखें ना, 30-35 साल में नवाज शरीफ ने बेवकूफ बनाए रखा, उसके बाद हमारे बड़े बड़े आज जो हमारी तरफ खड़े हैं बहुत सारे, आज जो बहुत सारे जर्नलिस्ट हमारी तरफ खड़े हैं, हम उन्हें अपना हीरो मानते हैं, उन्होंने ये सबसे पहले सिपा सलार वाला रवाज चलाया, मेरी और मोहित की बात हो रही थी किसी मोहतरम के बारे में, उन्होंने, हमारी आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, वो कोई मुसलमानों की कोई मदीना की रियासत की वो आर्मी तो नहीं है ना, वो पाकिस्तान की प्रोफेशनल आर्मी है, जो लार्जर इंडिया जब था तो हिंदुस्तान की भी वही आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी थी, इसीलिए हम कहीं भी जाएं तो मैस से लेके तमाम जो कायदो जवाबत हैं वो गोरा साहब वाले ही हैं, तो हमारी एक प्रोफेशनल आर्मी है, आज के दिन की मॉडर्न फौज है, उसका जो आर्मी चीफ है वो आर्मी चीफ है, सिपा सालार नहीं है। तो हमने जानबूझ के, कोई जनरल आसिम मुनीर का अकेले का कसूर नहीं है, बाजवा का अकेले का कसूर नहीं है, ये कोई जियाउल हक का अकेले का कसूर नहीं है, ये सबसे पहले जिसने हाथ मारा था वो अयूब खान साहब, उनका अकेले का कसूर नहीं है, ये पूरी कौम, हमें कहीं खड़े होना था ना, जो कुछ फातिमा जिना के साथ किया था अयूब खान साहब ने, क्या हम खड़े हुए थे? हमने बेशर्मी की थी तो काम यहां तक पहुंचा ना, तो हमें पहले इतने जज्बाती होके इतने बेस्ट रिजल्ट अचीव करने से पहले हमें यह सोचना है कि एज अ नेशन हमने 76 साल की, हमारे साथ ज्यादती भी हुई है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमने क्या किया? हमें बेवकूफ बनाना इतना आसान है, जिसका दिल करता है वो अपना मंजन बेच जाता है, हम खरीद के आगे चल पड़े। सच और झूठ में तफरीक करना, असल और नकल में तफरीक करना, ये हमारा मेन काम होना चाहिए जिससे हम आ रही हैं। तो जब तक हम एक नेशन नहीं बनते, जब तक हम सही और गलत में तमीज नहीं करते, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, फॉर एग्जांपल इमरान खान जेल में है, आपने बहुत बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं, मैं किसी और से छोड़ते, मैं अपने आप से शुरू करता हूं,
क्या मैं यहां जाके व्हाइट हाउस के सामने भूख हड़ताल पर नहीं बैठ सकता? 10 दिन 15 दिन बैठूंगा, उसके बाद मैं बेहोश होऊंगा तो मुझे उठा लेंगे आप लोग, मरने तो नहीं देंगे इतना मुझे भी पता है, तो क्या मैं बैठा हूं? 93 हमारे एमएनए हैं, क्या कोई बैठा है? कुछ 100 के करीब हमारे एमपी हैं, क्या कोई बैठा है? सो बात यह है कि ये नहीं होना एक काम। इमरान खान एक अकलौती चीज है, मैं उसका चीफ ऑफ स्टाफ रहा हूं, इर्द गिर्द मैंने सब कुछ देखा हुआ है। मैं खान साहब से आखिरी दफा 14 तारीख को मिला था, 13 या 14 अप्रैल को, 1.25 घंटे लंबी हमारी वो डिस्कशन थी, बहुत सारी राजो न्याज की बातें हुई, क्योंकि उससे पहले मेरी मुलाकात उनसे बहुत कम रही। जब मैं जेल से निकला, मैं अपनी मुसीबतों में था, वो आखिरी मुलाकात उनको मैंने बताया कि अब मैं बाहर जाने की तैयारी करने लगा हूं। तो उन 1.25 घंटों में उन्हें तकरीबन एक एक बंदे का पता था कि किसने छोड़ देना, और 9 मई को उन्होंने ही छोड़ा, और वो मुझे उस दिन बता चुके थे। जिस किसी ने माल बनाया हुआ था वो भी उनको पता था, जिस किसी की और मजबूरी थी वो भी उन्हें पता था। जो वो मुझे बताते गए उस दिन तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, ऐसे ऐसे स्टालवर्ड्स के नाम ले रहे थे वो मेरे सामने। उसके बाद जब मामलात हुए तो हमने देखा वही काम हुआ। तो इसलिए देखिए, सबसे पहले एज ए नेशन थोड़ा सीरियस होइए, अपने आप से पूछिए कि क्या आप कुर्बानी देते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनके इधर आज कोई रिश्तेदार आएगा जो नून लीग वालों को बढ़ा चढ़ा के या इस पूरे सिस्टम को बढ़ा चढ़ा के काम करता है? मेरे जानने वाले कहीं इस सारी रिजीम में एस्टेब्लिशमेंट से या दूसरी तरफ से लोग यहां आते हैं तो उनको चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं अभी भी? कहा जाता है जी जाती दोस्ती है, वो तो निभानी है। भाई जरूर निभाइए, गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हम नाम इस्तेमाल करते हैं तो उन्होंने तो बड़ा सीधा कहा हुआ है कि ये सही सही ये है और गलत ये है। तो जब तक हम सही और गलत की तफरीक नहीं करेंगे, इमरान खान को हमारी की हुई अमाल की सजा जेल में भुगतनी पड़ेगी, जो 76 साल हमने की है। अब वो क्योंकि ये राजी नहीं है इस बात के ऊपर, और उसको पता है, मैं ये भी आपको वाजे बता दूं, उसको कोई हमसे, इसीलिए उसने कभी कॉल दी हमें कि मर जाओ, लड़ जाओ, भूख हड़ताल कर दो, उसको पता है ये सारा वजन उसे अकेले को उठाना पड़ रहा है। बाकी मेरे जैसे सारे शौकिया फनकार हैं, मैं पूरी कौम की बात कर रहा हूं। तो अगर हम वाकई, हम अक्सर तराना पढ़ते हैं, हम जिंदा कौम है, हम हों तो मैं अक्सर कहते जी पंजाबी, कहते हैं जी पंजाबी नहीं निकलते, मैं क्योंकि पंजाबी हूं तो वहां से जवाब दे देता हूं, वाकई नहीं निकलते। अडयाला से झेलम 110 किलोमीटर है, पहला बड़ा शहर है पिंडी के बाद। तो चलो अगर पंजाबी नहीं निकलते तो यार केपी वाले ही निकल आओ। अडयाला से अटक का पुल 80 किलोमीटर है, तो चलो यार जब पंजाबी नहीं निकले ते अगर पंजाबी नहीं निकलते तो चलो केपी वाले ही निकल आओ, एक दूसरे को जो कहते हो। अच्छा इसको छोड़े, 80 किलोमीटर भी बहुत है, चलते हुए परेशानी होती है। ये मिनाल का रेस्टोरेंट आपने ऊपर खाना खाया होगा, वहां पर केपीके की सरहद है, वो 20 किलोमीटर है इस्लामाबाद से। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आके मार दो, कत्ल कर दो, ये तो हम कह ही नहीं सकते। हम तो पॉलिटिकल पार्टी, हम कहते हैं आईनी तरीके से। तो अगर उधर पहाड़ों से 2 लाख बंदा केपी से उतर आए, या इधर झेलम से 2 लाख बंदा जाके अडयाला जेल के सामने बैठ जाए कि हमारे लीडर को बाहर निकालो, तो कितनी देर लगनी है, कितनी देर लगनी है? 7 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे। इमरान खान वाले चाबी होगी रियासत के पास मामलात आगे चलाने की। मुझे यह भी पता है कौन जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट में काम किया हुआ है प्राइम मिनिस्टर के राइट हैंड के, मुझे पता है कि फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में कौन किसको फोन करेगा, कौन हेलीकॉप्टर में बैठेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में से कौन किधर मूव करेगा, कौन पहले मिलेगा, फिर खान साहब के पास जेल में कौन जाएगा, बात कैसे होगी, फिर खान साहब पब्लिक को घर कैसे भेजेंगे बाहर निकल के, फिर कौन फेस सेविंग देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा कि कौन देगा, तो सारा नक्शा सामने है। लेकिन एक चीज सामने नहीं है, लोगों ने निकलना है, तुसी निकलना है। सो अभी तक हम मार रहे हैं भड़के, और ये हम अक्सर कहते जी वो लीडरशिप में निकल, लीडरशिप में क्यों निकालना है? लीडरशिप तो एक है, वो जेल में बैठा हुआ है।
अगर लीडरशिप की वजह से निकलना हो तो मुझे बताइए कि इमरान खान के कोई मरबे ले रहा है जमीनों के या फैक्ट्रियां बनाई है जो अंदर बैठा है? लीडरशिप ने तो अपना काम कर दिया, वो तो अंदर बैठा हुआ है, तो आपने निकलना है। मैसेज वो आपको दे गया, उसने कहा मैं मर जाऊंगा, मैं एनआरओ नहीं करूंगा, मैं झुकूंगा नहीं। तो आपको पूरी बात बता के गया है, पूरा पता बता के गया, एड्रेस बता के गया, आपको पता है कहां है। तो जब आप लोगों ने निकलना है उतनी देर तक इंतजार करना पड़ना है, तो ऐसे उतावले ना हुआ करें। आप जिस दिन तैयार होंगे इमरान खान 5 मिनट में बाहर आ जाएंगे, जब तक आप तैयार नहीं है इमरान खान नहीं आएंगे। उतनी देर तक हमें 76 खाने पड़ने हैं। इमरान खान ने इनकार किया, इसलिए वो 7x6 के सेल में है। जो जो इनकार करेगा वो या तो मुल्क से बाहर भागना पड़ेगा या सेल में रहना पड़ेगा। और या मकबूल जान देखिए आवाज उठा रहा है, अंदर पड़ा हुआ है। आज एक डॉक्टर साहब प्रोफेसर हैं, रियाज उनका नाम है शायद, उन्होंने कहा मैंने जहांगीर उसकी जहांगीरी जस्टिस जहांगीरी की डिग्री जाली करार नहीं देनी, उन्होंने चुक लिया। अहमद फराद को उठा लिया हमने, वो पोएट्री लिखता है। सो बात यह है कि बड़ी सादा बात है कि कोई जंगो जदल नहीं करना पड़ना। जंगो जदल हमने किसी से करना है, कोई अलेक्जेंडर की फौज से जाके लड़ना है? फौज हमारी है, मुल्क हमारा है, हमारा एक एक फौजी एक एक अफसर सब हमारे अपने, हमारे भाई हैं, हमारा अपना खून है, किसी ने किसी से नहीं लड़ना। मैं अगर मैं मजहबी आदमी नहीं हूं, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तलवारें अम की जमानत हैं। उस टाइम समझ नहीं आई थी कि क्या बात है। तो अब पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, इंडिया के पास भी है, ना होता तो हमने रोज कुकड़ों की तरह लड़ना था। तो वो जो एटम बम है वो अम की जमानत है, तलवार अम की जमानत है। तो जो आपकी पब्लिक की स्ट्रेंथ है ना, वो असल में अम की जमानत है। तो मैं आपको बड़ी कहानियां सुना सकता हूं, इधर की बातें उधर की बातें। बातें दो हैं जनाब, एक दो बंदे हैं पाकिस्तान में, एक का नाम जनरल आसिम मुनीर साहब है, वो पूरा इख्तदार अपने पास रखना चाहते हैं। दूसरे का नाम इमरान अहमद खान नियाजी है, वो पूरा इख्तदार आवाम को देना चाहता है। तुसी तैयार नहीं है गे, दूजे भाई साहब को लाठी है। सो लाठी पे पूरी कौम को रीछ की तरह या बंदर की तरह वो नचा रहे हैं, हम नाच रहे हैं। जिस दिन तुसी तैयार हो गए, सो कोई लड़ाई नहीं करनी पड़नी। उन्होंने खुद ही बड़े बड़े प्यार मोहब्बत से सारे मामला हमारे तय हो जाने, और हमने एक जिंदा कौम बन के जिसकी एक बेहतरीन फौज भी होगी, तगड़ी फौज होगी। हमें बड़ी तगड़ी फौज चाहिए। इमरान खान तो कहता है कि मेरे से भी ज्यादा जरूरी मेरी फौज है। तो हमें बड़ी तगड़ी फौज चाहिए, हमें बड़ा अपना तगड़ा आर्मी चीफ भी चाहिए। लेकिन वो जो वजीर आजम को आके सलूट मारे और उनको बताए कि दिफाई मामलात में मैंने ये किया है, अमेरिका वालों ने मुझे ये पैगाम भेजा है, तो आपसे इजाजत चाहता हूं कि उनसे मिलूं या ना मिलूं, उनसे मैंने क्या बात करनी है। प्राइम मिनिस्टर भी उन्हें एहतराम के साथ बताएं कि आप मेरे आर्मी चीफ हैं, ये होना है। एक बड़े भाई छोटे भाई वाला रिश्ता होना चाहिए, एहतराम वाला रिश्ता होना चाहिए, अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस राइट्स। जब तक आवाम इस चीज को डिवाइड, पाकिस्तान की रियासत में ये नहीं होता और आवाम को इस सारे मामले का पता नहीं होता, मतलब तुसी हुण गुस्सा कर लेना है। 2022 के 9 अप्रैल को आपको याद आया कि इमरान खान को हमने खो दिया है। उससे पहले तो आप सबने भी लठ उठाई हुई थी हमारे खिलाफ, महंगाई कर दी है, इधर मैं अमेरिका आता था जीना मुश्किल था, ऐसे जवाब मांगते थे आप, लगता था कुछ जुर्म कर दिया है। अपने आप लोग छोड़े, मेरे अपने घर में उनको मैं दिन रात बताता था, डॉक्टर साहब शेर मार रही है जिस तरह मैं किसी और दुनिया की गल कर रहे हैं। मैं शिकागो गया, हमारे अपने पार्टी के सदर ने हमारे खिलाफ तकरीर ठोक दी, मैं बैठा हुआ हूं देख रहा हूं, 25 बंदे वो मेरे रिश्तेदार भी बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा जी पार्टी फेल हो गई है, नाकाम हो गई है, गुर्बत खत्म करनी थी, महंगाई खत्म। मैं बैठा हुआ हूं कि भाई अब रोटी खानी है, जवाब देना है। मैं जाके इमरान खान से रोज उनसे कहता था कि ये बात टीवी पे मैं कैसे, मतलब मैं बताता था कि काम बहुत तत्ता है, मैं टीवी पे नहीं जा सकता बहुत। तो वो मुझे कहते थे हम कुछ गलत नहीं कर रहे, जाके बताओ। सो बात यह है कि हम सबने इमरान खान को हस्बे तौफीक धोखा दिया, 9 अप्रैल तक धोखा दिया। अगर आप लोगों ने अपने, आप मुझे एक बात बताइए, आपको लगे कि आपके बच्चे को कोई बुली कर रहा है तो आप उसको स्कूल छोड़ने तक इंतजार करेंगे?
या जाके उसके साथ खड़े होंगे। तो किधर थे आप लोग 9 अप्रैल से पहले जब ये सब कुछ हो रहा था, तो किधर थी नेशन? आप निकले क्यों नहीं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले? पार्लियामेंट के रोड आपने भर क्यों नहीं दिए कि नहीं जाएगा हमारा वजीर आजम? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होने क्यों दिया आपने? वो तो डायरी उठा के चला गया। मैंने उनसे 2 दफा ही डांट खाई है, 1 दिन उस रात खाई थी, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, कभी वो बाहर आएंगे तो बताऊंगा क्यों खाई थी। लेकिन अगर हम जिंदा कौम होते तो इमरान खान जेल में ये सारा कुछ होता ही ना, इलेक्शन होता वहीं पर, सुप्रीम कोर्ट कैसे रात को खोल के फैसले दे देता? प्रिजन वैन आई थी, अवाम नहीं आई थी। हां, अवाम कब आई मैं बताता हूं। अवाम तब आई जब इमरान खान चला गया, प्राइम मिनिस्टर से हट गया, तो हमें झटका लगा क्या फिर कोई झुककर हमारा वजीर आजम होगा? तो अपनी जरूरत के लिए फिर हम निकले, फिर हमने रोला रप्पा डाला, तब समझ आई कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो आपको मेरे कहने का मतलब यह कि अब दोबारा हमने ऐसी बेवकूफियां नहीं करनी, जज्बात में नहीं फंसना। एक लीडर आपके लिए कुर्बानी दे रहा है, पूरे तरीके से उसके साथ खड़े हों। मामला सादा है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से हाथ बांध के गुजारिश की जाती है तो वो कर लें, आर्गुमेंट करके की जाती है तो वो कर लें, कानून के मुताबिक की जाती है तो वो कर लें। मैं कोई इंतहा पसंद तो होने के बंदूक उठाऊं, मैं तो सियासी आदमी हूं, उनको बताना पड़ना है कि भाई साहब ये इस्लामी जमहूरिया है, पाकिस्तान है, आइन के तहत चलना है, आइन में आपका काम ये है, आपके प्राइम मिनिस्टर का काम ये है, वोट होने दें, जो जीते उसको प्राइम मिनिस्टर बनने दें, वो नवाज शरीफ बने शौक से बने, वो बिलावल जरदारी बने शौक से बने, वो इमरान खान बनता है तो आपको उसके नाम पर भी लकीर लगाने का कोई इख्तियार नहीं है। और ये तब इंश्योर होना, एक बात याद रखिएगा, अक्सर हम कहते जो अमरीका ने साडे मुल्क चेक कर देता, फलाने ने यह कर देता, ठीक है इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट लोग डिफरेंट लोगों को, लेकिन अगर घर का चौकीदार घर वाले तगड़े हो ना तो बाहर से कोई कुछ नहीं करता। तो जिस दिन आप लोग कस्टोडियन हो गए ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, मीन पाकिस्तानी कस्टोडियन हो गए हम सारे, हमारी नरमी खत्म हो गई, तो पाकिस्तान में ये सब कुछ बदल जाएगा, एक दिन में बदल जाएगा। आज आप देखिए वो प्रोफेसर रियाज खड़े हो गए ना, काजी फाजी सा नहीं हुआ, प्रोफेसर रियाज के साथ सारी यूनिवर्सिटी खड़ी होगी है, केयू कराची यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज खड़े हो गए, बाकी मैं नाम नहीं लूंगा, कई जज साहब सिर्फ इसलिए रिजाइन दे गए जी मैं शरीफ है, तुहाड़ी शरीफ शराफत में शरीफा बीबी नो असी की करना है, तुहानू जज बनाया सी खड़े होने वास्ते, तुसी इस्तीफा दे गए जी मैं शरीफ है। सो बात यह है कि खड़ा होना पड़ना है। और हमारा दूसरा मसला ये कि हम अकेला छोड़ देते हैं जो खड़ा होता है, उसे मजा लेते हैं हम समझते हैं कि ये तो कोई टार्जन है। और भाई टार्जन एक ही पैदा किया है, शौकत खान और इमरान खान, बाकी कोई टार्जन नहीं है। सो आप लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू करें, जिन लोगों ने कोई कुर्बानी अभी भी वहां दे रहे हैं ना उनको, मतलब कैन यू इमेजिन कि ये अभी खतीजा शाह जो है उनके लिए मैं ट्वीट करता रहा कि नहीं ये डील करके बाहर नहीं आई, साफी सवाल पूछ रहा आप डील करके बाहर नहीं आई, आप 8 महीने बाद बाहर आ गई, होर खतीजा शाह मेरा मतलब की करना सी 8 महीने तो बाद, मतलब अभी भी वो डील करके, मतलब जो बाहर निकला है बेचारा डील करके आया। सो यहां नक्स है, फनी खराबी है, इसीलिए सानू छितर पै रहे एज अ कौम। सो क्लैरिटी लानी पड़ेगी। जिस बंदे ने 1 दिन 2 दिन 4 दिन भी आपके लिए कुर्बानी दे दी है, आप अपने आप से उसका मुआवजना करें, चंगेज खान से मुआवजना ना करें उसका, अपने आप को आईने में देखेंगे मैं इसकी जगह पर ये काम कर सकता था? अगर जवाब है कि नहीं तो उसका एहतराम करें, उस पर सवालात ना छोड़ें। जब आप उसका एहतराम करेंगे ना तो आपके मुल्क में हीरो बनने शुरू होंगे। क्यों के लिए जब आपके, एक मिनट डॉक्टर साहब क्लोज हो ना, सो जब आप 18 मिनट लिखा हुआ है आपने, क्या लिखा हुआ है मुझे पता नहीं, ये दे मुझे, ये दे तुम, ये मैं आवाम से फैसला करा, ये क्या 18 मिनट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ना, ये बहरहाल मैं खत्म करता हूं। मैं सादा बात आपको ये बता रहा हूं कि इधर उधर की बातों में ना लगें, कुछ नहीं होना, किसी अदालत ने इंसाफ नहीं देना, कुछ नहीं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपना तसल्लत नहीं छोड़ना चाहती, इमरान खान अपनी कुर्बानी दे रहा है जो वो दे सकता है, दोनों पार्टियां अपने अपने काम में बड़ी क्लियर हैं, कंफ्यूजन आप में है,
آپ کا مطلب ہے جو پاکستان میں بھی ساری عوام ہے, ہم پاکستانی ہیں, وہ دونوں پارٹیاں کلیئر ہیں, عمران خان بھی کلیئر ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی کلیئر ہے. جس دن ہم کلیئر ہو گئے سارا معاملہ ختم ہو جانا ہے. یہ تو آزادی نہ شہباز گل نے لے کے دینی ہے, نہ کسی اور وی لاگر نے لے کے دینی ہے, نہ کسی پولیٹیکل لیڈر نے لے کے دینی ہے. یو گاٹ دا پولیٹیکل لیڈر, ہز نیم از عمران خان, ہی از پیئنگ دا پرائز. آپ نے اٹھ کے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. جس دن آپ ہو گئے معاملہ ختم ہو جائے گا. کیو این اے کی طرف آتے ہیں.